हेलो गाइस, आज मैं भिंडी ओपरा यानी कि लेडी फिंगर की भुजिया बनाने वाली हूँ। जी जी हाँ, ड्राई सब्जी बनाने वाली हूँ जो बेहद ही स्पाइसी होने वाला है। मैंने भिंडी को धो के और छोटे छोटे पीसेस में से कट कर लिया है। देखिए, इसी तरह से काटना है, ज्यादा बड़ा नहीं और ज्यादा छोटा नहीं। और मैंने 5 आलू जो है उसे भी मीडियम साइज में ही कट किया है। इधर कढ़ाई गर्म करके 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालूंगी। आधा चम्मच मैं 5 फोरन और थोड़ी सी सूखी मिर्च कट करके मैंने डाला। और अब मैं आलू को फ्राई करूंगी। 10% जो है आलू को पकाना है। इस तरह से मैं जो है आलू को डाल दूंगी तेल में और जो मैं अब इसे अच्छे से फ्राई करूंगी। देखिए, मैंने सब आलू को डाल दिए हैं। अब मैं इसे अच्छे से चला लूंगी। 10% तक इसे पकाऊंगी मीडियम फ्लेम पे। अब मैं 10% पकने के बाद जो भिंडी है उसे भी डाल दूंगी। अब मैं इसे भी पकाऊंगी। भिंडी जो है ज्यादा पक जाता है तो फिर ये हल्का तीतापन लगने लगता है। और इसे जो है एकदम सही तरीके से पकाना बहुत जरूरी है। इसमें हल्दी और सूखी मिर्च पाउडर मैंने डाला है और नमक भी डाला है। अब मैं इसे अच्छे से चला लूंगी। देखिए, इस तरह से चलाना है। और आप जो है कम इसमें अगर ऑयल डालें तो उतना टेस्ट नहीं लगता है, तो ऑयल थोड़ा ठीक से ही डालें। अब मैं इसे ढक कर रख दूंगी। 10 मिनट तक ढक के रख देना है और गैस का फ्लेम लो करना है। देखिए, ये जो है लगभग लगभग ये पककर तैयार हो चुका है। अब जो मैं इसमें कटी हुई प्याज डालूंगी। देखिए, ये जो है आलू जो है पूरा पक गया है। देखिए, ये रेड रेड भी हो चुके हैं और भिंडी भी 80% तक पक गया है। और मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। एक प्याज मैंने कट करके उसे डाल दिया है। आप ज्यादा भी डाल सकते हैं, क्वांटिटी ज्यादा कर सकते हैं इसको। और जब इसे अच्छे से चला ले, देखिएगा प्याज जो है सॉफ्ट हो जाएंगे, प्याज भी सॉफ्ट हो जाएंगे और 100% जो है भिंडी भी पककर तैयार हो गए। अब कसूरी मेथी इसमें डाल दे, गर्मा गर्म सर्व करें।